स्वागत है आप सभी का दोस्तों हमारे इस चैनल study.com ऑन यूट्यूब पर। आज हम बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के परीक्षा प्रश्न पत्र 2017 को लेकर के। इसके पिछले वीडियो में 2015 से 16 तक की आपके क्वेश्चन पेपर बता दिए गए हैं हिंदी के, ठीक है। तो आज हम यहाँ बात करेंगे डीएलएड या बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के 2017 के हिंदी के प्रश्न पत्र को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसे आप बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं। इसमें का पहला क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। इसमें का पहला ऑप्शन है किशोरी लाल गोस्वामी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आपका ऑप्शन इंशा अल्लाह खां, और चौथा है आपका ऑप्शन प्रेमचंद। देखेंगे दूसरा ऑब्जेक्टिव। दूसरा ऑब्जेक्टिव है आपका कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। इसमें का पहला ऑप्शन है कवियत्री, दूसरा ऑप्शन है कवित्री, तीसरा ऑप्शन है कवियत्री, और चौथा है कवियत्री, ठीक है। देखेंगे तीसरा ऑब्जेक्टिव आपका, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है। इसमें का पहला है आपका ऑप्शन प्रतिज्ञा, दूसरा ऑप्शन है संख्या, और तीसरा ऑप्शन है बोली, और चौथा ऑप्शन है आपका भाषा। आगे देखेंगे चौथा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव फोर है आपका, अच्छाई मानवता बचपन की संज्ञा के उदाहरण है। इसमें का पहला ऑप्शन है आपका जातिवाचक संज्ञा, दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और चौथा है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखेंगे पांचवा आपका ऑब्जेक्टिव। इसमें दिया हुआ है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है। इसमें का पहला ऑप्शन है कैसा, दूसरा ऑप्शन है लाल, तीसरा ऑप्शन है तिकोना, और चौथा ऑप्शन है थोड़ा। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके 1 से 5 तक की क्वेश्चन है, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, ठीक है। आगे देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या कुछ दिया हुआ है, इसमें का पहला क्वेश्चन यानी छठा है, प्रा उपसर्ग से बनने वाले 2 शब्द लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, प्रत्यय किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, काल कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुकरण वाचन किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके 6 क्वेश्चन थे, और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, यानी 12वां क्वेश्चन है, गद और पद में अंतर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता पर संक्षिप्त लेख लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, बहुव्रीह समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, ये लास्ट आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर बात हो गई आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर के, जो कि आपके टोटल 7 है, ठीक है, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो। अगर कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।